संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार करे, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। किसी की निंदा ना करें, अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं, अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने दोनों हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते वक्त अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे पर रख दो। यही सफल होने का राज है। प्रसन्नता अनमोल खजाना है, छोटी छोटी बातों पर उसे लूटने न दें। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करें। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, देश मृत्यु है। हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हवा बह रही है, वो जहाज जिनके पाल खुले हैं इसमें टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पाल बंद हैं वो हवा को पकड़ नहीं पाते। क्या ये हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है, ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो यही है, ये कहना कि मैं निर्बल हूँ या अन्य निर्बल हैं। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। धन हैं वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। दिल और दिमाग में अगर टकराव हो तो दिल की सुनो। दिमाग की शक्ति सूर्य के किरणों के समान है, जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। जब लोग तुम्हें गालियां दें तो तुम्हें उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। सोचो तुम्हारे झूठे दम्भ को बाहर निकाल कर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। भय और अधूरी इच्छाएं ही समस्त दुखों का मूल है। जिंदगी बहुत छोटी है, दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थाई है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है, बाकी सभी जीवित से अधिक मृत हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है, ये अग्नि का दोष नहीं है। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा खड़े होकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। एक नायक बनो, सदैव कहो मुझे किसी का डर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको स्वामी विवेकानंद जी की ये अनमोल विचार पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।